नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज की बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट निकल के सामने आई है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सूचना, बहुत जरूरी सूचना है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हमने एक कम्युनिटी क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक ही चीज बताता हूं, लेकिन आप लोग इससे ऊब जाते हैं, पर हमारा काम है बताने का, इसलिए हम आप लोगों को बात शेयर करते रहते हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन जो अपलोड होते हैं उस पर आप वोट करिए, वोट करने के बाद उसके वीडियोज को आपको आने वाले अगले दिन के वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आप वोट करने के लिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के दिन मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन था कि हरियाणा राज्य पंजाब से कब अलग हुआ था। तो हरियाणा राज्य पंजाब से कब अलग हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। When was the, ठीक है, तो when क्वेश्चन था कि when was the state of हरियाणा separated from पंजाब। तो पंजाब से हरियाणा कब सेपरेट हुआ था, ईयर और डेट दोनों ही साथ में बताने थे। तो 93% बच्चों ने जो है वो 1 नवंबर 1966 को चूज किया है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है आप लोगों के लिए। कि आपने बहुत बेहतरीन आंसर दिया है कि आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है, कि 93% जो है बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। साथ हम लोग बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, जिन ऑप्शन के बारे में जिन्होंने ये 2% 3% बच्चों ने चूज किया है। देखिए बच्चों, आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, आप लोग अपने जीके पे थोड़ा और मजबूती लाइए और अच्छे से उसको फोकस करिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो हमारा है आज का, जो हम हर प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो में एक नए क्वेश्चन को लेके आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे है कि प्रश्न ये है, भारत के 24वें में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। क्वेश्चन है वह हु इज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसका आप लोग आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के टॉपिक है, जो सूचना निकल के सामने आई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 11th दिसंबर है, और आप लोगों का एग्जाम, उन बच्चों का एग्जाम जो कि 12th दिसंबर कल के दिन होने वाला है, उनके लिए स्पेशल वीडियो यहाँ पे आज बनाई जा रही है। तो स्पेशल वीडियो इसलिए है, पहले बात तो हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, आप लोग अपने एडमिट कार्ड को ले लीजिएगा, साथ साथ उसमें आप लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ को ले लीजिएगा, उसके साथ साथ जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए गए हैं उसको ले लीजिएगा, सैनिटाइजर ले, मास्क, उसके साथ साथ जो भी आपके सेफ्टी के चीजें हैं आप लोग उसके सेफ्टी के चीजें पे भी अपने ध्यान दीजिए, उसको सबको आप लोग एक साथ ले लीजिए, सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोग इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपने पास रख लीजिए, और कल जो है, अगर आप लोग आज निकल गए हैं एग्जाम देने के लिए तो वेरी गुड, और अगर कल निकल रहे हैं तो एकदम सेफली और सेफ्टी के साथ जो है अपने ट्रेवलिंग करिए और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी थी, ये रही आप लोगों के लिए एक मेरे वेल विशेष, गो फॉर इट एंड गुड लक, कंप्लीट करिए और आप लोग उखाड़ के आइए, सब कुछ अच्छे से करके आइए। दुर्गा शक्ति वालों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, कंप्लीट करिए। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपसे मैंने बोला था, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा जो है वो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, सुशील चंद्रा। ठीक है, तो अभी के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।